हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्स रेट रेपो रेट के बारे में। हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशन को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल जीके एंड जीएस अपडेट पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कुछ पैसे अगर बचे होते हैं तो हम अपने पैसे को, अपने सेविंग को अपने बैंक में जमा कराते हैं ताकि उस पर बैंक हमको ब्याज दे। ठीक इसी प्रकार जब हमारे देश में उपस्थित कॉमर्शियल बैंक जैसे HDFC, PNB, SBI ये अपने बचे हुए पैसे को अपने देश के सेंट्रल बैंक यानी कि जो है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जमा कराती हैं, उसके बदले जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज दर मिलता है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो फ्रेंड्स, वह ब्याज दर जिस पे RBI देश में उपस्थित अन्य व्यापारिक बैंकों जैसे SBI, PNB, HDFC एटेक्स्ट्रा से लोन लेती है, पैसा लेती है, उस ब्याज दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो वो है एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। यानी कि जैसे अगर रिवर्स रेपो रेट का दाम बढ़ा दिया जाए तो मार्केट में पैसे का मूल्य होने लगते हैं, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने पैसे को बैंक में जमा कराते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर जो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। यानी कि RBI यूजेस रिवर्स रेपो रेट एज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यानी कि जैसे कि रेपो रेट को RBI यूज़ करता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट भी RBI का एक हथियार है, जिससे वो मार्केट की में महंगाई को कंट्रोल करता है, देश के में महंगाई को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये रिवर्स रेपो रेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हो। तो वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।